फर्टिलाइजेशन। सपोज दिस इज फीमेल दिस द ओवरऑल स्ट्रक्चर। नाउ आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो सीमेन यहाँ पे इजैकुलेट होगा, दैट सीमेन कंटेन्स वन एंजाइम नोन एज वेसिकुलेज और कोआगुलेज, एंड दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेसिकुलेज और कोआगुलेज? इट क्लॉट्स द सीमेन, क्लॉट्स द सीमेन इन वेजिनल वॉल। ओके, सो दैट्स आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो सीमेन इजैकुलेट हुआ वो सारा कुछ आके यहाँ पे क्लॉट हो गया। इसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट हैं। जब इसका फॉर्मेशन, क्योंकि वेजिनल कैनल जो होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द लोकल एनएरोबिक बैक्टीरिया, इसका जो इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन होता है, पीएच वैल्यू होता है, वो काफ़ी हद तक कम होता है, दैट इज अराउंड 2 to 3 अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पर्म्स कैन नॉट सर्वाइव, अगर उनको क्लॉट ना किया जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना किया जाए, तो वो सारे के सारे यहाँ पे डेस्ट्रॉय होने का चांसेस रहता है। इसलिए सबसे पहले जब सीमेन इजैकुलेट हो गया, वेसिकुलेज एंजाइम और कोआगुलेज एंजाइम ने उसे क्या किया, वॉल के साथ स्टिक करके क्लॉट कर दिया एंड उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, बर्थुलिन्स ग्लैंड का सिक्रीशन जब इसे कम्प्लीटली लुब्रिकेट करवा देगा, एज वेल एज जब इसे थोड़ा बहुत एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आसपास पहुंचेगा या फिर अल्कलाइन की तरफ मूव करेगा, उस टाइम पीरियड में ग्रेजुअली इसमें से, इस क्लॉटेड सीमेन में से और एक कंपोनेंट नोन एज फाइब्रिनोलाइसिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड ये अपना फंक्शन शुरू करता है एंड इस सीमेन को डीक्लॉट करवाता है। जैसे ही डिक्लॉट हुआ, इमिडिएटली सारे के सारे स्पर्म्स यहाँ पे रिलीज फ्री हो गए। नाउ ये अल्कलाइन मीडियम जो है, ये फर्दर और एक कंपोनेंट दैट इज नोन एज रिलैक्सिंग के हेल्प से इसका, इस इन स्पर्म्स का मोटिलिटी को एनहेंस करता है। सो नाउ दिस स्पर्म्स कैन मूव इनटू द डीपर लेयर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जैसे जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के डीपर लेयर में जाएंगे, उनका मोटिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा एंड अल्टीमेटली अराउंड 45 मिनट्स के आसपास इन्हें लग जाता है टू रीच अप टू दिस पॉइंट। फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए इन स्पर्म्स को 45 मिनट्स का टाइम लग जाता है। नाउ व्हेन दे आर हियर, सपोज दीज आर द स्पर्म्स इन द फैलोपियन ट्यूब, इस मस रीजन में प्रेजेंट है। अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन का मेन जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। सो फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एंटायर प्रोसेस बिफोर दे माइग्रेट टुवर्ड्स द सेकेंडरी ओसाइट, सबसे पहले ये लोग जितने भी स्पर्म्स हैं सारे के सारे, दे विल बी कैपेसिटेटेड, द प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। सो व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन में तीन डिफरेंट प्रोसेस होता है। कैपेसिटेशन का प्रॉपर डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज द प्रोसेस टू गेन कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम। इट इज द प्रोसेस वेयर ए स्पर्म गेन्स कैपेसिटी to fertilize the secondary oocyte, to penetrate the secondary oocyte. So capacitation process, it takes around 8 to 10 hours. ये 8 to 10 hours time लेता है, इसलिए overall ये 45 minutes और 1 hour हम अगर इसके साथ include कर दें तो एटलीस्ट 11 to 12 hours तक fertilization possible नहीं होता after sexual intercourse. उसके बाद ही fertilization का process जो है वो possible हो सकता है। So 8 टू 10 आवर्स के अंदर वो कैपेसिटेशन प्रोसेस जो है वो हो जाएगा एंड उस कैपेसिटेशन प्रोसेस के अंदर स्पर्म्स का चेंजेस एग्जैक्टली क्या क्या होता है, तीन चेंजेस वहाँ पे होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लीनिंग द हेड, क्लीनिंग द स्पर्म हेड, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस।
इंड्यूसेस हाइपर मोटिलिटी, दैट मीन्स इसका जो स्पर्म का जो फ्लैजेलम होता है, सपोज दिस इज स्पर्म, इफ दिस इज द स्पर्म, इसका जो फ्लैजेला है ये और भी ज्यादा वेव लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. एंड थर्ड वन इज एंजाइम एक्टिवेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एंजाइम एक्टिवेशन, जस्ट लाइक स्पर्म लाइसिन हो गया, एक्रोसिन हो गया, ये सारे के सारे एंजाइम्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे. सो तीन डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, तीन डिफरेंट चेंजेस, मेजर चेंजेस यहाँ पे हो रहा है, विच आर कम्बाइंडली नोन एज कैपेसिटेशन. और कैपेसिटेशन कंप्लीट होने के बाद द स्पर्म्स आर नाउ रेडी टू मूव टूवर्ड्स द सेकेंडरी ओवसाइट. सो ओवरऑली फर्टिलाइजेशन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सबसे पहले यहाँ तक मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो सीमन इजैकुलेट हुआ वो वेसिकुलेज एंजाइम के हेल्प से और कोआगुलेज एंजाइम के हेल्प से एक क्लॉट फॉर्मेशन हो गया एंड वॉल के साथ आके स्टिक हो गया, ताकि इस एसिडिक कंडीशन का इफेक्ट और एसिडिक कंडीशन की वजह से स्पर्म्स का डेथ ना हो, पहला पॉइंट. दूसरा हो गया, जब इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के आसपास पहुंच जाएगा, इसका एनवायरमेंटल कंडीशन न्यूट्रलाइजेशन आसपास पहुंच जाएगा, उस टाइम पीरियड में फाइब्रिनोलाइसिन विल बी एक्टिवेटेड. एंड फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, इस सीमेन को डीक्लॉट करता है एंड स्पर्म्स को रिलीज करता है, स्पर्म्स को फ्री करता है. नाउ स्पर्म्स एक बार फ्री हो गए तो रिलैक्सिन उनका मोटिलिटी को इंक्रीज करता है एंड दे विल एंटर इनटू द डीपर लेयर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. दे विल मूव टूवर्ड्स फेलोपियन ट्यूब एंड इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स. नाउ 45 मिनट्स के बाद जब ये इस्थमस रीजन में पहुंच जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस रीजन में पहुंच जाएगा, उस टाइम पीरियड में इसमें कैपेसिटेशन का तीन डिफरेंट प्रोसेसेस होता है, कैपेसिटेशन शुरू हो जाता है, दैट टेक्स अराउंड 8 to 10 आवर्स. एंड कैपेसिटेशन प्रोसेस में तीन डिफरेंट प्रोसेसेस मेजरली होते हैं, बिकॉज ये जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स का आउटर अपर हेड पार्ट में जब ये प्रोड्यूस होता है, उस टाइम पीरियड में इसके हेड पोर्शन में काफ़ी सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स पहले से यहाँ पे प्रेजेंट हैं. इन सबको जब तक निकाला नहीं जाएगा तब तक स्पर्म कैनॉट पेनेट्रेट इन टू द सेकेंडरी ओवसाइट, क्योंकि एक्रोसोम का जो एंजाइम है वो एंजाइम सारे के सारे प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाएंगे. तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ड्यूरिंग कैपेसिटेशन, वो इन प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन रिमूव करता है, प्रोटीन लिपिड जो भी सरफेस में प्रेजेंट है उन सबको रिमूव करता है, दैट इज द क्लीनिंग ऑफ स्पर्म हेड. हाइपर मोटिलिटी क्या है, इट इंक्रीजेस द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द माइक्रोट्यूबल विच आर लोकेटेड ऑन द फ्लैजेला, इन द फ्लैजेला, ठीक है. तो फ्लैजेलम बिकम्स more grip-like structure and it becomes more motile. Whereas third one is acrosomal enzyme हो गया, इसके surface में जो enzyme है उन सारे enzymes का activation करवाता है. And all these capacitation process are done by the non-ciliated epithelium located on the fallopian tube. By the non-ciliated epithelium located on the inner lining of the fallopian tube. So these three process after being capacitated, after completion of these three process or after being capacitated, the sperm will now migrate towards the secondary oocyte. Now, secondary oocyte mein, secondary oocyte ka structure agar, aur secondary oocyte ko agar hum magnify karke dekhte hain, to uska structure kuch is tarah ka dikhega. This is the zona pellucidal layer. This is ulema, that is the plasma membrane of secondary oocyte. Here nucleus will be there. Some cortical granules are present over here. And zona pellucida mein kuch sperm receptors present hote hain. Suppose these are the sperm receptors. And as usual, iske upar corona radiata ka layer rehta hai. So this is the structure of secondary oocyte. Now जब हम इसे magnify करते हैं तो हमें बाकी सारा structures इसका properly visualize होगा, magnify करेंगे थोड़ी देर बाद. फिलहाल ये जितने भी millions of sperms जो गया हुआ है सारे के सारे इसके इसकी तरफ move करना शुरू करते हैं. इन sperms, ये sperms सारे के सारे ये corona radiata की तरफ move करना शुरू करते हैं. Like this.
दे आर ट्राइंग टू पेनेट्रेट इन टू द सेकेंडरी ओसाइट, बट दे कैन नॉट पेनेट्रेट डायरेक्टली क्योंकि उनको पहले सबसे कोरोना रेडिएटा लेयर को डिग्रेड करना होता है, बिकॉज कोरोना रेडिएटा इज एनक्लोजिंग द एंटायर सेकेंडरी ओसाइट। तो जब तक सारे के सारे कोरोना रेडिएटा लेयर यहाँ से डिग्रेड नहीं हो जाते तब तक स्पॉन्स को पाथवे नहीं मिलता सेकेंडरी ओसाइट के अंदर पेनेट्रेट करने के लिए। इसीलिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये स्पॉन्स क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को रिलीज करते हैं, अपने एक्रोसिन और अपने जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग होता है उसे रिलीज करते हैं एंड दे स्टार्ट डिग्रेडिंग द कोरोना रेडिएटा लेयर। सो कोरोना रेडिएटा लेयर को अगर डिग्रेड करना है तो उसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है, स्पर्म का जो एंजाइम है वो क्या करता है, इस स्पर्म इसका जो सीमेंटिंग लेयर है कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा का जो सीमेंटिंग लेयर है उस सीमेंटिंग लेयर को ये डिग्रेड कर देते हैं ताकि जो जोना पेलुसिडा सॉरी कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स वहाँ से रिमूव हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप कोरोना रेडिएटा का रिमूवल। नाउ इस पोर्शन को मैं यहाँ पे मैग्नीफाई कर रहा हूँ, सपोज इसे मैं यहाँ पे मैग्नीफाई कर रहा हूँ। जोना पेल्यूसिडा, हियर इट इज द उलेमा, हियर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर देयर, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, हियर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पर्म रिसेप्टर्स आर देयर and at this point some ZP3 are there. Remember ZP3 are also the sperm receptors. Now इसके अलावा यहाँ पे ZP2 का भी presence रहता है, suppose these are the ZP2. These are ZP2. And so on. As usual, nucleus will be there. Now here some corona radiata cells are also present and this shaded portion is the cementing layer like this. Now sperms are trying to penetrate, into the secondary oocyte. So first of all they have to break this cementing layer. Microsome, here nucleus. मैं इस entire structure को थोड़ा बहुत मैं level कर दूँ. This one is ZP2. That is zona pellucida 2. It is a type of glycoprotein. This one is ZP3 sperm receptor. This one is cortical granule. This one is extra cellular sperm receptor. This is extracellular space.
जोना, पेलुसिडा, दिस वन इज ऊप्लाज़म. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी ऊसाइट. दिस वन इज कोरोना रेडियाटा. सो आफ्टर बीइंग कैपेसिटेटेड स्पर्म सारे के सारे थ्रू आउट द, मैंने यहाँ पे एक ही कोरोना रेडियाटा का लेयर ड्रॉ किया हुआ है, बट इट इज एक्चुअली प्रेजेंट थ्रू आउट द सेकेंडरी ऊसाइट. तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जब इसके ऊपर अटैक करते हैं, इसके ऊपर पेनेट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हर किसी स्पर्म्स को मिलता है कोरोना रेडियाटा का लेयर. इन दैट केस दे विल ट्राई टू रिमूव दिस कोरोना रेडियाटा लेयर. एंड व्हाट दे डू, इसका जो सरफेस एंजाइम है वो क्या करता है, इन सारे के सारे सीमेंटिंग लेयर्स को डिग्रेड कर देता है. अब सीमेंटिंग लेयर डिग्रेड होने का मतलब है कि इसका जो क्यूबॉइडल सेल है एज वेल एज जो कॉलमनर सेल्स है, ये सारे के सारे यहाँ से क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं. तो सपोज ये कोरोना रेडियाटा वाला लेयर जो है वो रिमूव हो गया. अब रिमूव होने के बाद दिस स्पर्म्स विल गेट पाथ टू एंटर टूवर्ड्स द, टू मूव टूवर्ड्स द जोना पेलुसिडा. नाउ इफ व्हेन दे विल मूव टूवर्ड्स द जोना पेलुसिडा लेयर, दिस स्पर्म रिसेप्टर्स ZP3 स्पर्म रिसेप्टर विल ट्राई टू अट्रैक्ट द स्पर्म्स. सो यहाँ पे ये अट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक कोनिकल प्रोजेक्शन फॉर्मेशन होता है. और ये कोनिकल प्रोजेक्शन जो फॉर्मेशन होता है, दिस इज नोन एज रिसेप्शन कोन और कोन ऑफ रिसेप्शन. सो दिस वन इज कोन ऑफ रिसेप्शन, फर्स्ट वन इज, सॉरी, दैट इज कोन ऑफ रिसेप्शन. सो कोन ऑफ रिसेप्शन फॉर्मेशन होने के बाद दिस पर्टिकुलर स्पर्म इज नाउ रिसीव्ड बाय द, the sperm is now received by the ZP3 receptor. Okay. Now ZP3 receptor ने उसे जैसे ही receive कर लिया, immediately इसके अंदर क्या होता है, next step होगा, that is CA2 plus surge. ठीक है, तो first step, step number one में क्या हो रहा है, step number one में sperms जो सेकेंडरी ऊसाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, वो इस सीमेंटिंग लेयर कोरोना रेडियाटा एंड जोना पेलुसिडा के सीमेंटिंग लेयर को डिग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना रेडियाटा का जो सेल्स हैं वो जोना पेलुसिडा को छोड़ के निकल रहा है वहाँ से. अब जैसे सारे के सारे जितने भी मिलियंस ऑफ स्पर्म एक साथ अगर एंटायर सेकेंडरी ऊसाइट के ऊपर एक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जितने भी कोरोना रेडियाटा लेयर है वो सारे के सारे डिग्रेड हो जाएंगे. तो आउटर मोस्ट कवरिंग इज नाउ द जोना पेलुसिडा. नाउ दिस स्पर्म will move towards the zona pellucida, जहाँ पे ZP3 receptor उसे receive करने के लिए एक conical थोड़ा सा आगे move कर रहा है, जिसकी वजह से conical projection formation हो रहा है, and that conical projection is known as cone of reception or reception cone. Now reception cone formation होने के बाद ये sperms जो है वो जाके bind कर रहा है किसके साथ, वो जाके bind कर रहा है ZP3 glycoprotein से. जैसे इन दोनों का बाइंडिंग सक्सेसफुल हो गया, इमीडिएटली इसके अंदर स्पर्म के अंदर क्या होता है, CA2 प्लस सर्ज होता है. बट CA2 प्लस सर्ज का मतलब जो जितना अमाउंट ऑफ CA2 प्लस है वो इमीडिएटली पीक वैल्यू तक पहुंच जाएगा. ठीक है, और पीक वैल्यू तक सिक्रित होने के बाद ये CA2 प्लस सर्ज क्या कर रहा है, और CA2 प्लस जाके क्या करेंगे, एक्रोसोम के साथ फ्यूज होंगे एंड एक्रोसोम को स्ट्रेच करके उसे फाइनली रप्चर करवा देंगे. या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं, CA2 प्लस एक्टिवेट्स द एक्रोसोम टू रिलीज इट्स सिक्रीशन. अब इसका जो सिक्रीशन है, ये क्या करेगा, इसका जो सिक्रीशन है, जो भी सिक्रीट यहाँ से हुआ, ये सारा कुछ जाके इस ZP2 ग्लाइकोप्रोटीन को ये डिग्रेड कर देता है. ठीक है, और इसका सिक्रीशन मेजरली किसे कंस्टिट्यूट करता है, इसका सिक्रीशन मेजरली कंस्टिट्यूट करता है हाइलुरोनिडेज. ठीक है, अब ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, ZP2 को ब्रेक डाउन करता है, ZP2 को डिग्रेड करता है. ठीक है, जैसे ही ZP2 डिग्रेड हुआ, एक स्पेसिफिक पाथवे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो कि स्पर्म को अंदर की तरफ एंटर करवाने का परमिशन देता है.
ठीक है, थ्रू दिस पर्टिकुलर पाथवे नाउ द स्पर्म विल एंटर इनटू द स्पर्म विल एंटर इनटू द सेकेंडरी ओसाइट. तो सपोज दिस इज द स्पर्म, दिस इज द मिड पीस एंड दिस इज द फ्लैजेलम. तो नाउ द स्पर्म इज गेटिंग ए पाथ टू एंटर इनटू द सेकेंडरी ओसाइट. नाउ एक स्पर्म का कंडीशन ये है, बाकी सारे के सारे स्पर्म भी उसी टाइम में यही सेम प्रोसेस की कोशिश में लगे हुए हैं. तो जैसे ही पहला स्पर्म इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है, इमीडिएटली इट विल बी रिसीव्ड बाय दिस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पर्म रिसेप्टर. तो सपोज यहाँ पे ये इसके साथ रिसीव हो गया, इसके साथ ये फ्यूज हो गया, इसके साथ ये बाइंड हो गया, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पर्म रिसेप्टर इज नाउ सक्सेसफुली रिसीविंग द स्पर्म, फर्स्ट स्पर्म. Now, जैसे इन दोनों का बाइंडिंग सक्सेसफुल हो जाता है, इमीडिएटली CF2+ सर्ज विल अकर, CF2+ सर्ज विल अकर विद इन द ऊप्लाज्म. एंड इसका काम क्या है, इसका काम ये CF2+ क्या करते हैं, जाके ये इन कॉर्टिकल सराउंडिंग कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को एक्टिवेट करवाते हैं, एंड एक्टिवेट करके ये ले जाके उसको फ्यूज करवाते हैं ऊप्लाज्म के साथ. तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है ये जाके फ्यूज हो गए ऊप्लाज्म के साथ लाइक दिस. तो CF2+ होने की वजह से उलेमा में ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जाके फ्यूज हो गए. अब इसके फ्यूजन की वजह से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर का जो सिक्रीशन है दैट विल बी रिलीज्ड. ये सारे के सारे सिक्रीशन जो है वो रिलीज होंगे, ठीक है. और सिक्रीशन रिलीज होने का मतलब क्या है, दिस सिक्रीशन विल फर्दर मूव टुवर्ड्स, दिस सिक्रीशन विल मूव टुवर्ड्स द जोना पेलुसिडा. इस तरह से जोना पेल्यूसिडा की तरफ ये मूव करेंगे, एंड वहां पे चेंजेस क्या करते हैं, दिस कॉर्टिकल सिक्रीशन विल और कन्वर्ट द ZP2 टू ZP2F. सो दे विल कन्वर्ट ZP2 टू ZP2F, एंड दिस इज द मेन जहां पे एक सिंगल सेकेंडरी ओसाइट को मल्टीपल नंबर ऑफ स्पर्म्स का पेनिट्रेट करना पॉसिबल नहीं होता. कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम जानते हैं, रिकॉल अगर करें, एक एंजाइम है और उस एंजाइम के लिए जो सब्सट्रेट होता है दैट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट पर्टिकुलर सब्सट्रेट. अब अगर इन दोनों का एक्टिव साइट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता तो इन दोनों इस एंजाइम का इस सब्सट्रेट के ऊपर एक्ट करना पॉसिबल नहीं होता. यहाँ पे जो एंजाइम एक्रोसोम के अंदर से रिलीज हुआ था, जिसने पहले जोना पेलुसिडा 2 को ब्रेक डाउन किया हुआ था, ZP2 को ब्रेक डाउन करके एक पाथवे प्रोवाइड किया हुआ था, वो एंजाइम था हाइलुरोनेज, और हाइलुरोनेज के लिए सब्सट्रेट कौन सा है, दैट इज ZP2. सो जब तक ZP2 है तब तक हाइलुरोनेज उसको डिग्रेड कर सकता है, बट ड्यू टू कॉर्टिकल सिक्रीशन ये जो केमिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ZP2 को ZP2F में कन्वर्ट करवा रहे हैं. अब ZP2F इज सम अदर स्ट्रक्चर, ZP2 ये नहीं है, ZP2F है, दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है. दैट मीन्स ये जो हाइलुरोनेज एंजाइम था फिलहाल के लिए ये एंजाइम चेंज हो गया है, सॉरी ये एंजाइम तो कांस्टेंट है लेकिन उसके लिए सब्सट्रेट जो ZP2 था उसका स्ट्रक्चर अभी चेंज हो गया है. अब दिस पर्टिकुलर ZP2 इज नो मोर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द हाइलुरोनेज एंजाइम. तो किसी भी स्पर्म, जो भी स्पर्म इसके अंदर एंटर करने रहा होता है या फिर अपना हाइलुरोनेज रिलीज कर रहा होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ZP2 नहीं मिलता. और ZP2 अगर नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल मूव बैक, क्योंकि जोना पेल्यूसिडा की किसी दूसरे लेयर को पेनिट्रेट करके किसी दूसरे लेयर में पोर क्रिएट उसके लिए पॉसिबल नहीं है. सो इन दैट केस ये क्या एंश्योर कर रहा है, दिस एंश्योर्स द मोनोस्पर्मी, और वी कैन से इट सिंपली प्रोवाइड्स द ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हाइलुरोनेज की वजह से यहाँ पे ZP2 डिग्रेड हुआ, और ZP2 डिग्रेड होने वाले प्रोसेस को कहा जा रहा है एक्रोसोमल रिएक्शन. अब एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पर्म रिसेप्टर ने उसे रिसीव कर लिया, स्पर्म को रिसीव कर लिया. जैसे इन दोनों का स्पर्म रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, बाइंडिंग पॉसिबल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है,
इमिडिएटली सी ए टू प्लस सर्ज विल ऑकर विद इन द ऊप्लाज्म एंड ये सी ए टू प्लस सर्ज क्या कर रहा है, ये सी ए टू प्लस जो भी रिलीज हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सी ए टू प्लस रिलीज हुआ दे एक्टिवेट द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को उलेमा के साथ फ्यूज करके इसका एक्सोसाइटोसिस करवाते हैं। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से कॉर्टिकल सिक्रेशन क्या हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है टूवर्ड द थ्रू आउट द जोना पेल्यूसिडा एंड जहां जहां पे जेड पी टू का प्रेजेंस होगा उन साइट टू को वो चेंज कर रहे हैं जेड पी टू एफ में। अब जेड पी टू एफ में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जेड पी टू एफ इज नो मोर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द हाइलोनिडेज। जेड पी टू जैसे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री था, फिलहाल जेड पी टू ऑफ एफ जो है वो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की वजह से इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा एंड दैट इज द रीजन बाकी जो भी स्पॉन्स, क्योंकि एक तो आ चुका है, बाकी जो भी स्पॉन्स इसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबका हाइलोनिडेज जेड पी टू को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता क्योंकि थ्रू आउट द जोना पेल्यूसिडा जेड पी टू अभी चेंज हो चुका है इंटू जेड पी टू एफ। तो मॉडिफिकेशन की वजह से कोई दूसरा स्पॉन्स का हाइलोनिडेज जो है वो जोना पेल्यूसिडा के किसी भी पाथ में पोर क्रिएट होल क्रिएट नहीं कर सकता, पाथ क्रिएट नहीं कर सकता। अब ये हो गया, इसकी वजह से ये जो सी ए टू प्लस सर्ज हुआ, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का सिक्रेशन रिलीज हुआ, जेड पी टू टू जेड पी टू एफ में कन्वर्ट हुआ, इस एंटायर प्रोसेस को कहा जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन। एंड कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, दैट इज इंसिडेंट नोन एज ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, एक ही स्पर्म अंदर एंटर के सारे यहाँ पे बैकवर्ड मूव कर जाएंगे। तो अगर मान लो कि कोई स्पर्म इस तरह से एंटर करने की कोशिश कर रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, मान लो ये एक स्पर्म आने की कोशिश कर रहा है बट जेड पी टू टू जेड पी टू एफ में कन्वर्ट होने की वजह से, सपोज मैंने रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया होता जेड पी टू को, अभी मैं इसे ब्लू कलर से ओवरलैप और दिस स्ट्रक्चर इज जेड पी टू एफ, दी स्ट्रक्चर्स आर जेड पी टू एफ, सो कहीं पे भी और जेड पी टू नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो हाइलोरोनिडेज रिलीज होगा वो किसी को भी और डिग्रेड नहीं कर सकता एंड अल्टीमेटली इट विल मूव बैक। ये जैसे आया था वैसे ही बैकवर्ड मूव करके निकल जाएगा। ठीक है, इट कैन नॉट फर्दर ट्राई टू एंटर इन टू द सेकेंडरी ओसाइट। नाउ ये हो गया ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। नेक्स्ट इसका जो बाइंडिंग प्रोसेस है, ये बाइंडिंग दूसरा फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है एंड दैट फंक्शन इज द फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो एंटर किया हुआ स्पर्म है इसका मेम्ब्रेन फ्यूजन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का फ्यूज होगा, that is second sperm, इन दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे फ्यूज हो रहा है। ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही फ्यूज होता है न्यूक्लियस से ये रिलीज हो जाएगा इनटू द ऊप्लाज्म एंड इसके साथ साथ इसके पास जो सेंट्रियोल है ये सेंट्रियोल भी रिलीज हो जाएंगे। सपोज दिस आर द सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल भी रिलीज हो गए। सो सेंट्रियोल रिलीज होने के बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कि सेकेंडरी ओसाइट जो है इसने अपना म्यूसिस टू अभी तक कंप्लीट नहीं किया हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रियोल। तो अभी फिलहाल इस स्पर्म सेंट्रियोल को यूज करके ये क्या करेगा, अपना म्यूसिस टू को कंप्लीट करेगा, म्यूसिस टू कंप्लीट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के बाद यहाँ पे दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड मेम्ब्रेन फ्यूजन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ म्यूसिस टू, म्यूसिस टू कंप्लीट। नाउ म्यूसिस टू कंप्लीट होने के बाद इसके पास हो गया एन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और एन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब हो गया ये एंटायरली अभी दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नाउ, इस पॉइंट पे हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं ओवम। ठीक है, अभी तक मेल एंड फीमेल का जो न्यूक्लियस है उन दोनों का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को अभी इस पॉइंट पे इसे कहा जाता है सेकेंडरी ओसाइट से हम इसे नेम चेंज करके ओवम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी ओसाइट एंड ओवम जो है वो इंटरचेंजेबली उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर
स्पेसिफिक पॉइंट पे हम इसे ओहम नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक दोनों का न्यूक्लियस जो है फ्यूज नहीं हुआ है, बस इस सेंट्रियोल को यूज करके इसने अपना मियोसिस टू जो है वो कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट, दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल नाउ एंटर इनटू द डीपर लेयर ऑफ द ऊप्लाज्म, ठीक है, ऊप्लाज्म के डीपर लेयर में आएगा एंड इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ टू फॉर्म द मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। अब मेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए और डीपर लेयर को की तरफ आने के लिए जो पाथ फॉलो कर रहा है मेल और स्पर्म न्यूक्लियस, उसे कहा जाता है पेनेट्रेशन पाथ, पेनेट्रेशन पाथ, ठीक है। पेनेट्रेशन पाथ फॉलो करने के बाद दिस बिकम्स द मेल प्रोन्यूक्लियस। नाउ मेल प्रोन्यूक्लियस विल मूव टुवर्ड्स द फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ओके। अब फीमेल प्रोन्यूक्लियस की तरफ जाने के लिए जो पाथ फॉलो कर रहा है उसे कहा जाता है कॉपुलेशन पाथ, दैट इज द कॉपुलेशन पाथ, ठीक है। नाउ दोनों के दोनों आसपास पहुंच गए, सपोज दिस इज द फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड दिस इज मेल प्रोन्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों अभी आसपास पहुंच गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों का मेम्ब्रेन फ्यूजन होगा एंड सेट्स एंड सेट्स एंड फाइनली मेम्ब्रेन फ्यूजन होने के बाद दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ए न्यू डिप्लोइड सेल हैविंग टू एंड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस न्यू सेल इज नाउ टर्म्ड एज जाइगोट। Now this entire process जिसके थ्रू पेनेट्रेशन पाथ उसने फॉलो कर लिया, कॉपुलेशन पाथ फॉलो कर लिया, दोनों का मेम्ब्रेन फ्यूजन हो गया, तो यहाँ से लेके ये वाला स्टेप, ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है, दिस इज नोन एज एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस और कैरियोगेमी। कैरियो इज ए वर्ड रिलेटेड टू न्यूक्लियस, गेमी इज ए वर्ड रिलेटेड टू फ्यूजन, सो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोगेमी, और इन अदर वर्ड्स MP is a word related to both, mixis is mixing, so mixing of both the nucleus is known as amphimixis, and finally they will produce a second produce a diploid cell that is known as zygote. So step number one is degradation of corona radiata. Step two is reception cone formation and sperm receiving by ZP3. So this is step number two. Step number three, यहाँ पे step number three ये जो breaking हो रहा है, so this is the step number 3, that is acrosomal reaction. Step number 4, acrosomal reaction ke baad ye isse receive ho raha hai, receive by extracellular form receptor. Step number 5, yahan pe this is the step number 5, that is cortical reaction, and isse main show kiya hua tha block to polysporin, which is a part of cortical reaction, to isse main 5a naming kar raha hu. So 5a is block to polysporin.
टिप नंबर सिक्स इज मेम्ब्रेन फ्यूजन, मेम्ब्रेन फ्यूजन, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, एंट्री इनटू प्लाज्म. सो दिस इज स्टेप नंबर सिक्स. स्टेप नंबर सेवन मियोसिस टू कंप्लीशन. ओवम. स्टेप नंबर एट पेनिट्रेशन पाथ. स्टेप नंबर नाइन कॉपुलेशन पाथ. एंड स्टेप नंबर टेन एम्फीमिक्सिस कैरियोगेमी. ठीक, ये सारा कुछ 10 स्टेप्स का प्रोसेस है. 10 स्टेप्स में एंटायर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट इज जायगोट. तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज हाइलुरोनिडेज एंजाइम एंड ZP2 डिग्रेडेशन. ठीक है. एंड कॉर्टिकल रिएक्शन में ब्लॉक टू पॉलीस्पर में कॉर्टिकल रिएक्शन में कन्वर्सन ऑफ ZP2 टू ZP2F. दिस इज इम्पोर्टेंट. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम कैपेसिटेशन अप टू जायगोट फॉर्मेशन. Okay.